अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तीन मुख्तलिफ तरह की चाय बनाना बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मानसून का मौसम चल रहा है, बारिशें हो रही हैं और बदलते मौसम का असर हमारी सेहत पर भी पड़ रहा है। तो चूँकि गले की ख़राश, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होना ये बहुत आम सी बात हो चुकी है इस मौसम में, तो चाहे सर्दियों का मौसम हो या मानसून मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, बदलते मौसमों का हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम मुख्तलिफ होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल मुसलसल करते रहें तो हम बिल्कुल फ़िट रह सकते हैं और अपने सेहत का इस तरह से ख्याल रख सकते हैं। आज मैं इसी हवाले से तीन मुख्तलिफ तरह की चाय बनाना बताऊंगी, जो कि ना सिर्फ आपके गले को ठीक करेगी, आपके गले के ख़राश को भी ठीक करेगी। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, हर चीज़ का इसमें इलाज है। तो आते हैं अब रेमेडी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है अदरक। अदरक मैंने थोड़ी सी ली है और ये इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ली है सब्ज़ इलायची। मैं जब चाय बनाना स्टार्ट करूँगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप भरकर पानी, और उसमें मैं शामिल करूँगी अदरक और हस्बे ज़रूरत सब्ज़ इलायची। 2 सब्ज़ इलायची पानी में शामिल कर दूँगी। उसके अलावा 1/4 चाय का चम्मच मैं मेथी दाने इसमें इस चाय में शामिल करूँगी। तो चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं पैन में 1 गिलास पानी भरकर शामिल कर दूँगी। चूल्हा जला लूँगी। तो चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती तो इसमें बहुत ज़रूरी है। तो चाय की पत्ती है हस्बे ज़रूरत। 1 कप चाय बना रही हूँ मैं, तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं इसमें पत्ती शामिल करूँगी। चाय के लिए मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर मैं ले रही हूँ हस्बे ज़रूरत। 3 चाय के चमचे मैं इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया है। अब मेथी दाना मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 चाय का चम्मच। 1 कप के लिए इतना काफ़ी है। बाकी ये जो अदरक मैंने कटिंग करके रखी हुई थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये 1 कप के लिए मैं बना रही हूँ। और सब्ज़ इलायची जो इसमें से और सब्ज़ इलायची मैं इसमें से तोड़कर 2 अदद शामिल कर दूँगी। इस तरह से मीठे के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गुड़ हस्बे ज़रूरत। अब इस चाय को उबाल आने तक मैं पकाऊंगी। चाय को थोड़ी देर तक पकाना है ताकि तमाम चीज़ों का इसमें अर्क शामिल हो जाए। अदरक का, सब्ज़ इलायची का और मेथी दाने का अर्क इसमें शामिल हो जाए। थोड़ी देर तक चाय को पकाना है, उबाल आने देना है। अदरक की चाय के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ मखसूस फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। अदरक की चाय सीने के जकड़ने और शदीद फ्लू नज़ला में इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा जबकि मौलियाती एलर्जी से सांस की तकलीफ़ में भी अदरक की चाय जादुई काम करती है। जैसे कि हमारे माहौल में बाज़ औक़ात गर्द गुबार होता है, ट्रैफिक का धुआं होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जो ख़ास तौर से जो मर्द हजरात बाइक में जाते हैं उनको गर्द गुबार का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है और गले की ख़राश का और नज़ला ज़ुकाम का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गुड़ गले को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मददगार है और अदरक बलगम को ख़त्म करने में, गले की ख़राश को ठीक करने में और नज़ला ज़ुकाम को सही करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। और अदरक की चाय में मौजूद विटामिन, मादनियात और अमाइनो एसिड जिस्म में दौरान खून को बेहतर बनाकर दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम कर देता है।
जबकि अदरक की चाय आंतों में पैदा होने वाली चिकनाई को बनने से रोकती है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक से महफूज रहा जा सकता है। आप चाहें तो अदरक की चाय आप बगैर दूध और पत्ती के भी बना सकते हैं, लेकिन जायके के लिए मैंने इसको पूरे चाय की तरह बनाया है। जो लोग चाय पीना पसंद नहीं करते वो सिर्फ पानी में भी इस चाय को बना सकते हैं। और अदरक की चाय एंटीऑक्सीडेंट है, लिहाजा तकसीर के अमल को लेवल को कम करके कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है। अदरक की चाय इंसानी दिमाग को सख्त टेंशन और तनाव को सुकून देती है। तो आजकल तो हर जगह ही टेंशन और परेशानियां हैं, तो अपने टेंशन और परेशानियों को दूर करने के लिए आप अदरक की चाय बनाएं, और ये चाय बहुत ही मज़ेदार होती है। इसमें आपको कोई भी बदमज़ा टेस्ट महसूस नहीं होगा, और उम्मीद है आपको ये अदरक की चाय बहुत पसंद आएगी, और इससे आपके नज़ले ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और गला भी आपका ठीक होगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बुखार चढ़ रहा है, गला आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें। तो चाय को कलर आने तक मैं पका रही हूँ। जब ये चाय बिल्कुल पक जाएगी अच्छी तरह से, तो फिर मैं इसे कप में निकाल लूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म अदरक की चाय तैयार है, और इसको पीने का तो मज़ा ही और है। और सर्दियों के मौसम में अगर आप पीते हैं तो अदरक जिस्म को गर्म रखती है और आपको सर्दी महसूस नहीं होगी। ये दूसरी चाय जो मैं बनाने लगी हूँ, तो ये भी गले के लिए, नज़ला ज़ुकाम, गले के ख़राश के लिए और ख़ास तौर से गले के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चाय बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, और उसके साथ ही मैं इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करूँगी 2 से 3 अदद या हसब ज़रूरत, और चाय की पत्ती, चाय के लिए दूध, और मीठे के लिए अगर आप चीनी शामिल करना चाहें तो चीनी शामिल करें, लेकिन मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ गुड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है गले के लिए, गले की ख़राश के लिए, और गले में आराम पहुंचाने के लिए, गले को साफ़ करने के लिए, बलगम को साफ़ करने के लिए। तो चाय बनाना शुरू करते हैं। चाय के लिए मैंने पानी लिया है 1 गिलास भरकर, और पानी को मैंने उबाल लिया है। अब मैं इसमें हसब ज़रूरत चाय पत्ती शामिल करूंगी। चाय की पत्ती मैं ले रही हूं 1 चाय का चम्मच, दूध मैं इसमें शामिल करूंगी 3 चाय के चम्मच, बटर मिल्क मैं इस्तेमाल करती हूँ, और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दालचीनी और सब्ज़ इलायची। और मीठे के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हसब ज़रूरत गुड़ 2 चाय के चम्मच, चाय का चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि इसमें ठीक से उबाल आ जाए, और थोड़ी देर तक हमें इस चाय को पकाना है ताकि तमाम चीज़ों का अर्क इस चाय में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। जैसे ही चाय बनकर तैयार होती है तो फिर मैं आपको ये कप में निकाल कर दिखाती हूँ। दालचीनी का इस्तेमाल गले के लिए, गले की ख़राश के लिए, खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर दालचीनी का फ्रेश पाउडर आप पीस कर उसमें 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर ऐसे ही चाट लेते हैं तो आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम आएगा और आपके गले के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम आएगा। ये होम रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आजमूदा है, और छोटे बच्चों के लिए, अगर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो दालचीनी का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, जो बच्चे कम से कम भी 3 से 4 साल के हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, 1/2 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर
और एक चाय का चम्मच शहद मिक्स करके उनको थोड़ी थोड़ी देर से चटाएं, तो इंशाल्लाह उनकी खांसी में भी बहुत फ़र्क आएगा। जब ये चाय बनकर तैयार हो जाती है तो फिर मैं कप में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। जी तो ये दोनों चाय बनकर तैयार हो चुकी हैं, ये आपके सामने हैं। देखें इनका कलर कितना खूबसूरत आया है और चाय पीने में भी बहुत मज़ेदार है। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ तीसरी चाय होम रेमेडी से, जो कि बहुत ही आसान और बहुत सिंपल है और घर में मौजूद चीज़ों से आप बहुत आराम से बना सकते हैं। चाय बनाने के लिए वही तीन चीज़ें लाजमी, चाय की पत्ती, चाय का दूध, और मीठे के लिए मैं शामिल करूँगी गुड़। और उसके अलावा मैं ले रही हूँ एक अदद लौंग, जो कि पूरी लौंग है ऊपर से भी, ठीक है। उसके अलावा मैं शामिल करूँगी एक चुटकी कलौंजी। अगर आप बच्चों के लिए चाय बना रहे हैं तो कलौंजी के 5-6 अदद दाने गिनकर शामिल करें, ठीक है। तो चाय बनाना शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए मैंने पहले से एक गिलास पानी लेकर बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें पत्ती शामिल करूंगी एक चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच मैं इसमें चाय की पत्ती शामिल कर रही हूं। मिल्क मैं इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूं 3 चाय के चम्मच। उसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी चूल्हा मैंने लो मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। उसके अलावा मैं कलौंजी शामिल करूंगी इसमें एक चुटकी। और एक अदद मैं इसमें लौंग शामिल कर रही हूँ। चाय को थोड़ी देर मैं पकाऊंगी, थोड़ा सा मैं चूल्हे की आंच तेज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलौंजी में मौत के अलावा हर मर्ज़ के लिए अल्लाह ने शिफा रखी है, तो कलौंजी को हमें अपने खाने पीने में, अपनी डाइट में लाजमी शामिल करना चाहिए। जब आप कोई कहवा बनाएं, चाय बनाएं, उसमें एक चुटकी कलौंजी ज़रूर शामिल करें। कलौंजी में बहुत सी बीमारियों का इलाज है और लौंग जो है वो गले की खराश, गले के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और गुड़ का इस्तेमाल गले को साफ़ करता है। मैं इसमें गुड़ शामिल कर रही हूँ हसब ज़रूरत। आप चाहें तो मीठे के लिए आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं या फिर शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ में शामिल कर रही हूँ हसब ज़रूरत, मैं ले रही हूँ 2 चाय के चमचे। तो ये चाय जब तक पक रही है इसमें उबाल आ जाता है, तो हम थोड़ी सी अपनी हेल्थ केयर के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है गले की खराश, नज़ा, ज़ुकाम फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है, मौसम सर्दी का हो या गर्मी का। मौसम के असरात हमारे सेहत पर लाजमी असरानंदाज़ होते हैं, तो अपनी सेहत को सही रखने के लिए हमें ख़ुद कोशिश करनी चाहिए कि होम रेमेडी से हम जितना ख़ुद को सही कर सकते हैं, हमें अपने लिए उतना करना चाहिए और अपनी सेहत की लाजमी केयर करनी चाहिए, क्योंकि सेहत सही है तो सब कुछ सही है। जब हमारी सेहत ठीक होती है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, और जब हमारी सेहत ही ठीक नहीं होती है, तबीयत ख़राब रहती है, गला ख़राब, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो ये चाय ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे कप में निकाल लूँगी। जी तो जनाब, ये तीनों होम रेमेडी से तैयार की हुई चाय तैयार है और इन तीनों चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको मेरी ये होम रेमेडी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।